हेलो डियर इंस्टाग्रामर्स, कैसी चल रही है स्क्रॉलिंग? मज़ा आ रहा है? रील्स देख रहे हो? मीम शेयर कर रहे हो? सो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको कुछ सलाह देने वाला हूँ जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम के खाते को सुरक्षित कर सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो फ्रॉम दी हैकर्स। और आजकल के जो हैकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। अगर आपने बेवकूफ़ी करी तो आपका अकाउंट 1 मिनट में गायब हो सकता है और आपकी जो सारी चैटिंग और प्राइवेट चैट्स और जो भी आप गपशप मारते हो सब लीक हो जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट किसी ने लॉगिन कर रखा है तो आप उसे किस तरह से लॉग आउट कर सकते हो, इसके अलावा कैसे आप अपने अकाउंट पे 2FA सिक्योरिटी लगा सकते हो जिससे कि कोई आपका पासवर्ड जान भी जाए तब भी वो आपका अकाउंट लॉगिन ना कर पाए। इसके अलावा आजकल इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड अकाउंट से मैसेज आते हैं कि आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा क्योंकि आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेंट किया है या फिर किसी और इशू की वजह से। तो कैसे हम पता करेंगे कि जो मैसेज या मेल आया है हमें वो ऑफिशियल इंस्टाग्राम की तरफ से आया है या फिर किसी स्पैमर ने भेजा है? तो कुल मिलाकर आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस वीडियो में हमने कवर करी हैं। तो चलो यार, समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा कीमती है। ओके गाइस, तो अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन कर रखा है और गाइस यह है मेरी प्रोफाइल। अगर आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, यूजर नेम है विशाल साहू 21। सो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट किसी ने अपने डिवाइस में लॉग इन कर रखा है तो कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपका अकाउंट किस किस डिवाइस में लॉग इन है और कैसे आप उसे वहां से लॉग आउट भी कर सकते हो। तो इसके लिए गाइस आपको इन 3 लाइंस पे क्लिक करना है, इसके बाद सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ऑप्शन है सेकंड नंबर पे लॉगिन एंड एक्टिविटी का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर टॉप पर आपसे पूछ रहा है वॉज दिस यू, यहाँ पर आपकी लोकेशन आ रही है, डिवाइस आ रहा है और टाइमिंग दी हुई। क्या आपने इस टाइमिंग पे, इस लोकेशन पे, इस डिवाइस में लॉगिन किया था? अगर आपने ही लॉगिन किया था तो दिस वॉज मी पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपने नहीं किया था तो दिस वॉज नॉट मी पे क्लिक करके आपके सामने तुरंत पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा और आप यहां से अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए। इसके अलावा गाइस करेंटली आपका इंस्टा अकाउंट किन किन डिवाइसेज में लॉगिन है आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, तो मेरा डिवाइस अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी यही जो मेरा डिवाइस यूज़ कर रहा हूं इसी में लॉग इन है। इसके अलावा अगर ये किसी और डिवाइस में होता तो वो भी यहां पे आता। सो अगर आप चेक करते हो और आपका अकाउंट देखने को मिलता है कि और भी डिवाइसेस में लॉगिन, तो आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहां पे लॉग आउट पे क्लिक करके उन सभी अननेसेसरी डिवाइसेस से लॉग आउट कर सकते हो और उसके बाद आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए जिससे कि आपका इंस्टा अकाउंट कोई भी और ना एक्सेस कर पाए। और गाइस जो दूसरी चीज़ आपको फॉलो करनी है अपने इंस्टा अकाउंट को सिक्योर करने के लिए वो है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो इस वाले ऑप्शन को आपको ऑन करके रखना है। इससे क्या होगा कि अगर आपका पासवर्ड किसी को पता चल जाता है या फिर कोई गेस कर लेता है, सो अगर आपने अपना 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखा है तो जो भी बंदा उस पासवर्ड के थ्रू आपका अकाउंट लॉगिन करेगा तो आपके नंबर पे एक OTP आएगा। जब उस OTP को वहां पर फिल किया जाएगा तभी वो अकाउंट लॉगिन हो पाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपने जो मोबाइल नंबर इंस्टा पे अपना डाल रखा है वो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि अगर वो नंबर आपने खो दिया तो आप अपना इंस्टा अकाउंट भी खो सकते हो। सो आपके इंस्टा अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ऑन करके रखना है। सो गाइस अब बात करते हैं अपनी फाइनल मिस्टेक की, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। गाइस कई बार क्या होता है कि हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे ईमेल में स्पैमर्स या हैकर्स जो होते हैं मैसेज करते हैं और वो जिस प्रोफाइल से मैसेज करते हैं हमें लगता है कि ये ऑफिशियल इंस्टाग्राम की तरफ से हमारे पास मेल या मैसेज आया है जिसमें लिखा होता है कि आपने किसी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेंट किया है जिसके लिए आपके अकाउंट को सस्पेंड किया जा रहा है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो एक वो लिंक प्रोवाइड करते हैं, उस पर जाके आपको अपना डेटा फिल करना होता है और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो गाइज इस चीज़ को आपको हमेशा अवॉइड करना है, आपको फेक आईडी और रियल में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए क्योंकि जिन प्रोफाइल से हमें मैसेज आता है वो एकदम कॉपी बना के रखते हैं और आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाओगे कि वो ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज नहीं है। और गाइज इसके लिए इंस्टाग्राम ने भी आपको फीचर दिया है ईमेल्स फ्रॉम इंस्टाग्राम का। अगर आपको इंस्टाग्राम कोई मेल करता है पिछले 14 दिनों के अंदर तो वो आप इस ऑप्शन से चेक कर सकते हो। अगर आपको पिछले 14 दिनों में इंस्टाग्राम की तरफ से कोई भी मेल आया होगा तो वो यहाँ पे दिखेगा। तो गाइज अगर आपको कोई मेल रिसीव हुआ है और वो यहाँ पे नहीं नजर आया तो समझ लो वो फेक है। सो गाइस ये हैं कुछ तरीके जिनको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हो। तो अब आप समझ गए होगे कि किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो। अब आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो और उनको बताओ कि भाई तुम भी अपना अकाउंट सिक्योर कर लो वरना हम तुम्हारा अकाउंट हैक कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट मत करना यार, अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर और इंस्टाग्राम चलाते रहो।